नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश खारी। आप देख रहे हैं डॉक्टर खारी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे होम्योपैथी दवाई पेप्टिसिया के बारे में और इसकी मदर टिंचर फॉर्म के बारे में बात करेंगे कि इसे कैसे लिया जाता है। ये दवाई वैसे तो काफ़ी सारी बीमारियों में काम आती है, लेकिन बुखार में, खासतौर पर टाइफाइड फीवर में बहुत इफेक्टिव रहती है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि किन सिम्टम्स यानी किन लक्षणों के होने पर ही ये दवाई टाइफाइड फीवर में दी जाती है। अगर ये लक्षण आपसे मैच ना करे तो डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, क्योंकि बिना लक्षणों के मैच के ये दवाई नहीं लेनी चाहिए। दोस्तों वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। पेप्टिसिया को होम्योपैथी में टाइफाइड फीवर की सभी दवाइयों में किंग रेमेडी कहा गया है, यानी ये दवाई सबसे इफेक्टिव रहती है टाइफाइड फीवर में। इसके लक्षणों की बात करें, ये दवाई बुखार में तब दी जाती है जब पेशेंट का टेम्परेचर 103 से 106 के बीच आए, फारेनहाइट में 103 से 106 के बीच आए। वो 104 भी हो सकता है, 103 भी हो सकता है, 105 भी हो सकता है। दोस्तों इसी के साथ साथ पेशेंट को ठंड भी लगती है, खासतौर पर सुबह के 11 बजे लगनी शुरू हो जाती है और पूरे शरीर में दर्द रहता है। सर में दर्द रहता है, कमर दर्द रहता है, लिम्स में पेन रहता है और पेशेंट जिस तरफ भी करवट लेता है उस तरफ पेशेंट को दर्द होना शुरू हो जाता है। ब्रूइश फीलिंग टाइप का पेन होता है, सोरनेस होती है। तो ऐसे में ये सिम्टम्स होने पर ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है टाइफाइड फीवर में। पेशेंट बुखार में नर्वस हो जाता है, इसी के साथ पूरे शरीर में जॉइंट्स में पेन देखने को मिलता है। पेन के साथ साथ पेशेंट को नोजिया वोमिटिंग जैसे सिम्टम्स भी कभी कभी आने शुरू हो जाते हैं। पेशेंट का खाने के बाद उपकाई करने का मन करता है, उल्टी करने का मन करता है, लेकिन नहीं हो पाती है। ऐसे लक्षणों में ये दवाई दी जाए तो टाइफाइड फीवर में बहुत इफेक्टिव रहती है, खासतौर पर तब दी जाती है जब पेशेंट का टाइफाइड फीवर फर्स्ट स्टेज का हो। और ये दवाई डॉक्टर की सलाह पर ही लेनी चाहिए अगर आपको टाइफाइड फीवर है। इसके और लक्षणों की बात करें तो बुखार में पेशेंट की जो पल्स रेट होती है वो बहुत स्लो हो जाती है, पेशेंट की पल्स रेट नॉर्मल से कम आ जाती है। ऐसे लक्षणों में ये दवाई दी जाए तो बुखार तो ठीक होता ही है पेशेंट का, साथ ही जो पेशेंट की पल्स रेट होती है वो भी नॉर्मल हो जाती है। पेशेंट को बुखार में जो भी डिस्चार्ज होता है, या वो ब्रीथ हो, यूरिन हो, स्टूल हो या फिर स्वेट हो, सभी बहुत ऑफेंसिव होते हैं, ऑफेंसिवनेस उसमें देखने को मिलती है। ऐसे लक्षणों में ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। फीवर में अगर पेशेंट की जीभ देखी जाए तो आगे से वो सफ़ेद होती है, वाइट कोटेड होती है, पीछे से लाल होती है, फिर धीरे धीरे वो ड्राई होती जाती है, क्रैक्ड होती जाती है, साथ में अल्सरेशन भी देखने को मिलता है, नहीं वहाँ घाव भी देखने को मिलते हैं, पेशेंट के मुँह में छाले होने शुरू हो जाते हैं। ऐसे लक्षणों में ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। अगर पेशेंट के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, यानी पेशेंट दिखने में कैसा होता है, जब बुखार होता है तो पेशेंट का चेहरा लाल होता है और पेशेंट के फेस को अगर देखा जाए तो ऐसा लगता है कि पेशेंट नशे में है, वो सही से बात भी नहीं कर पाता है। बुखार ज़्यादा होने पर पेशेंट को अजीब अजीब तरीके के लक्षण दिखाई देते हैं, जिसमें पेशेंट को दो तीन लोग दिखाई दे सकते हैं। नींद डिस्टर्ब हो जाती है पेशेंट की, तो ऐसे लक्षणों में बहुत इफेक्टिव रहती है, खासतौर पर टाइफाइड फीवर में। दोस्तों ये दवाई देने से होता क्या है कि जब पेशेंट के एंटीजन हो जाते हैं टाइफाइड फीवर के, तो जब ये दवाई हम पेशेंट को देते हैं तो उन एंटीजन के खिलाफ ये एंटीबॉडीज़ बनाने में मदद करती है, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है, जिससे बुखार के, टाइफाइड फीवर के जो एंटीजन्स होते हैं, जो बैक्टीरिया होता है, वो मर जाता है। तो ऐसे में बहुत इफेक्टिव रहती है, खासतौर पर एक्यूट टाइफाइड में, क्रोनिक टाइफाइड में, दोनों में इसे दिया जा सकता है। यानी क्रोनिक टाइफाइड वो होता है जो लंबे टाइम से चलता आ रहा है, पेशेंट को एक सीज़न में बुखार आया था और वहाँ पर डिटेक्ट हुआ था टाइफाइड फीवर, और लगातार पेशेंट को कुछ सालों तक बुखार आता रहता है, कई बार टेम्परेचर देखे तो उसमें नहीं आता है, लेकिन जब भी पेशेंट टाइफाइड फीवर अपना टेस्ट कराए, ब्लड टेस्ट कराए, खून की जांच कराए, तो उसमें पॉजिटिव आता है। ऐसे में होता क्या है कि एलोपैथी मेडिसिन इतनी ज़्यादा हम नहीं ले सकते हैं, उनके लेने से काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं और डॉक्टर खुद भी रिकमेंड नहीं करते हैं इतनी दवाइयाँ, तो पेशेंट परेशान हो जाता है, वो आयुर्वेदिक या फिर होम्योपैथी की तरफ जाता है। होम्योपैथी में वैसे काफ़ी सारी दवाइयाँ होती हैं ऐसे लक्षणों में और ऐसे बुखार में, टाइफाइड फीवर में,
लेकिन सभी को अलग दवाई दी जाती है, सभी के अलग सिम्टम्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन होता है पेशेंट का, मेंटल स्टेज क्या है, मेंटल सिम्टम्स क्या हैं और फिजिकल सिम्टम्स क्या हैं, बुखार के क्या लक्षण हैं, काफ़ी सारी चीज़ें देखकर हम पेशेंट्स को दवाइयाँ देते हैं। ये केवल ये एक दवाई नहीं है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको लंबे टाइम से टाइफाइड फीवर आ रहा है, आप जब भी टेस्ट कराते हैं तो अपने होम्योपैथी डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लें, नहीं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। जिसकी एम्प्टी फॉर्म होती है, क्यू पोटेंसी होती है, क्यू पावर होती है, वो बुखार के सिम्टम्स देखकर ही रिकमेंड की जाती है उसकी डोज की कितनी ये दवाई दी जाएगी, है ना, ये दवाई देनी चाहिए या और दवाई चलेगी। उसके लिए आप डॉक्टर से संपर्क करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि हमारे वीडियोस आपको कैसे लगते हैं। थैंक यू।